सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे स्वर अ की गतिविधियां तथा लिखने का अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर अ की गतिविधियां। बच्चों, शुरू करते हैं स्वर अ की गतिविधियां। चलिए ये देखिए, ये बन गया स्वर ए, ए से एड़ी। और जब हम इसके ऊपर ये मात्रा बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए, ए से एनक। जो हमारी अगली गतिविधि है, हम स्वर ए के ऊपर क्ले चिपकाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्वर ए हमने पेपर पे बना लिया है, अभी हम इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर क्ले पेस्ट करेंगे। ओके, ये देखिए ऐसे। उसके बाद ये देखिए, ये हमारा बन गया स्वर ए। अगली गतिविधि है, हम इस तरह से स्वर ए का हॉलो बना लेंगे और इसके ऊपर हम पेपर चिपकाएंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, एक शीट लेनी है, उसको आपने अपने दोनों हाथों से फाड़ना है, ठीक है, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगानी है, ठीक है, ऐसे। और फिर आपने इसके ऊपर जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको चिपकाना है। ये देखो, इस तरह से आपने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्वर ए के ऊपर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाएंगे ऐसे। और ध्यान रखना है कि हमारे जो कागज के टुकड़े हैं वो लाइन के अंदर ही चिपके। ये देखें, ये है हमारी स्वर ए की अगली गतिविधि। और बच्चों, इसके साथ साथ आपको एक और गतिविधि को दोहराना है, आपको एयर ट्रेसिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से ये मैम क्या बना रही हैं, स्वर ए। आपको भी अपने फिंगर के साथ, अपनी अंगुली के साथ हवा में स्वर ए बनाना है। चलिए शुरू करते हैं ए से एन का लिखित अभ्यास। तो अब सबसे पहले हम इसके ऊपर क्रेयॉन कलर के साथ इसको ट्रेस करेंगे। ये देखिए, ये क्या है, स्वर ए, ऐसे एनक। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, ये आप पहले से लिखा हुआ है ना, इस पे बिंदु लगे हैं, तो आपको इसको ट्रेस करना है ऐसे। तो अब यहाँ पे आपने, जैसे मैंने स्वर ए के ऊपर आपको बिंदु लगाने के लिए बोला था ना ऐसे, वैसे ही आपको ये बिंदु लगाने हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये एक और बिंदु लगाना है जिस पे बच्चा मात्रा लगाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए ऐसे, ये स्लीपिंग लाइन आ गई हमारी, और ये हमारी आ गई इस पे मात्रा। वैसे ही अगला स्वर हम ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, ये हमारा स्वर ए पूरा हो गया। अब हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, स्वर ए के ऊपर गोला लगाएंगे। ये है हमारा स्वर ए, और एक ये है, और उसके बाद ये रहा। अब यहाँ पे ये जो पेज है, इस पे हमें एक और गतिविधि दी गई है। इस पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे स्वर ए होगा वहाँ पे हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ पे बाकी अक्षर होंगे वहाँ पे हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्वर ए के ऊपर ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो ये स्वर ए है, ऐसे ये नहीं है, ये स्वर ए नहीं है, ये स्वर ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है, ये
वाला है और ये भी नहीं है। तो बच्चों आप सबको भी इस गतिविधि को अपने घरों में अपनी पुस्तकों के ऊपर दोहराना है। ये देखें इस तरह से, है ना? ठीक है बच्चों, आपको भी इस तरह से स्वर ए के ऊपर ये वाला निशान और बाकी अक्षरों पर ये वाला निशान लगाना है।